जयपुर ले चलते हैं, जहां पर जनाना अस्पताल में औचक निरीक्षण हुआ। चिकित्सा ACS शुभ्रा सिंह निरीक्षण कर रही हैं और अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के जनाना अस्पताल की, जहां पर औचक निरीक्षण के लिए चिकित्सा ACS शुभ्रा सिंह पहुंची हैं और वो अस्पताल का निरीक्षण कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, उन्होंने मास्क लगा रखा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और इसी के साथ जो बाकी अधिकारी हैं वो भी शुभ्रा सिंह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और शुभ्रा सिंह एक एक व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं, जांच कर रही हैं, डॉक्टर से बात कर रही हैं, स्टाफ से जाकर सवाल कर रही हैं कि क्या यहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं या नहीं है। और न केवल स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ बल्कि वहां मौजूद जो मरीज हैं, जो वहां भर्ती हुए हैं, उनसे भी बात करने के लिए पहुंची हैं। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, अभी यहां पर निरीक्षण हो रहा है, ACS शुभ्रा सिंह वहां पर मौजूद हैं, अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कितनी देर से ये चल रहा है, कितनी देर और निरीक्षण चलेगा, डिटेल में बताइए। देखिए, सरकार का अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने पर खास फोकस है और इसी के चलते अभी चिकित्सा ACS शुभ्रा सिंह भी आज भी जनाना अस्पताल पहुंची है, जहां पर उनका निरीक्षण यहां पर चल रहा है। आप देखेंगे ये जनाना अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है और वहां पर ये व्यवस्थाएं देखी जा रही, किस तरह से जो महिलाएँ यहाँ पर भर्ती होती है उनको जो सुविधाएँ मिल रही हैं प्रॉपर है, यानी ये साफ सफाई कैसी है, तो तमाम चीज़ों का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। और SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरट्टा है, इसके साथ ही जनाना अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा है, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमारे साथ चिकित्सा ACS हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर उन्होंने सुबह से यहाँ पर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा है। क्या क्या व्यवस्थाएँ देखी मैम आज यहाँ पर? तो ये आप देखेंगे यहाँ पर चिकित्सा ACS हैं, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रही है और अभी उन्होंने व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा है कि किस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है चल रही है। लगातार उनके साथ हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, मौजूद हैं, जो तमाम जो महिलाओं को जो फैसिलिटी है उनकी समय पर जांचें हो रही है, दवाई उपलब्ध है या नहीं है, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है और जनाना अस्पताल के अलग अलग वार्डों में अभी उनका निरीक्षण है वो चल रहा है, क्योंकि सरकार का खास फोकस भी यही है कि अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि लगातार अभी 17 मार्च तक देखें तो 73 चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं प्रदेश के जिनको प्रभारियों को नोटिस दिए गए हैं और उनसे भी जवाब मांगा गया, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ थी वो निरीक्षण के बाद भी लगातार सुधर नहीं पाई थी। इसके बाद लगातार अब खुद ACS हैं वो राउंड पर निकली हैं और अभी जनाना अस्पताल में व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा जा रहा है जी। इसके अलावा भरत, मरीजों की स्थिति कैसी है अभी, चूंकि ACS तो वहाँ पर निरीक्षण कर ही रही हैं, आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या मरीज वहाँ पर संतुष्ट हैं जिस तरह का इलाज उन्हें मिल रहा है उस चीज़ से, या क्या वो संतुष्ट हैं जिस तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं इस अस्पताल में? देखिए, अभी हम जनाना अस्पताल में मौजूद हैं और महिलाओं से बातचीत करते हैं, कैसी है सुविधाएं आपको? बहुत अच्छी सुविधा है, मिल रही है सुविधाएं टाइमली? हाँ, बहुत अच्छी देखभाल होती है और डॉक्टर भी टाइम टू टाइम आके मतलब संभालते हैं। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ सोडाला चाल जी। आपके पेशेंट? हाँ जी, ऑपरेशन से हुआ बच्ची, बहुत अच्छी केयर करते हैं, टाइम टू टाइम संभालते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। दवाई मिल रही है? बिल्कुल दवाई मिल रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप कहाँ से हैं? मैं पिंपला से। पिंपलू से? हाँ। मिल रही सुविधाएं? बढ़िया मिल रही। बढ़िया इलाज हो रहा? हाँ, बढ़िया हो रहा है, ऑपरेशन से यह लड़का बढ़िया इलाज मिल रहा है। सफाई बढ़िया? हाँ, साफ सफाई बढ़िया। ये तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो अस्पताल में यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से आए? यहीं से हैं, जयपुर से। अच्छा, क्या क्या ठीक है? हाँ, साफ सफाई अच्छी है लेकिन लोगों को भी रखनी पड़ती है ना। डॉक्टर आते हैं टाइम से? हाँ, डॉक्टर आते हैं टाइम से। तो ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं और इन्होंने भी संतुष्टि जताई कि अस्पताल में जो चिकित्सा सुविधा है वो बेहतर है और यहाँ पर उनका भी यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, बच्चे इनके पेशेंट हैं वो यहाँ पर भर्ती थे और अब लोग यहाँ पर देखेंगे
तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल भरत, आपने जिन लोगों से बात की, जिन महिलाओं से बात की, उनका रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव रहा। और वो कह रही हैं कि साफ सफाई तो होती है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, खासतौर पर साफ सफाई वाली चीज, जिसका ध्यान लोगों को भी रखना पड़ता है। फिलहाल तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, बताते रहिए कि शुभ्रा सिंह अभी कहाँ पहुंची हैं और किस किस एरिया में अभी तक उन्होंने निरीक्षण किया है, ये भी बताइए। देखिए, अभी लगातार एसीएस का निरीक्षण यहाँ पर जारी है। अब दो जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे निरीक्षण हो चुका है, अब सेकंड फ्लोर पे भी उनका निरीक्षण है वो यहाँ पर चल रहा है। सेकंड फ्लोर पे भी जो मरीज भर्ती होते हैं, महिलाएं भर्ती होती है, ऑपरेशन होता है, उनका भी निरीक्षण वहाँ पर किया जा रहा है कि एक भी विंग ऐसी नहीं हो जहाँ पर साफ सफाई नहीं हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है, सबसे ज्यादा पर हैं और वहाँ पर निरीक्षण कर रही है। जब निरीक्षण खत्म हो, उनसे बातचीत हो, उसके बाद बताइएगा कि निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या पाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।